केम रोड व्यापार संघ के द्वारा जिला कलेक्टर से मुलाकात की गई। मुलाकात करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना के काल में वैसे भी बेरोजगारी बढ़ रही है और ऐसे में व्यापार और उद्योग सारे ठप पड़े हैं। लगातार बेरोजगारी की मार जो है वह लोगों पर पड़ रही है। उन्होंने कहा कि बाजार जो है वो खुलवाए जाएँ, प्रतिष्ठान भी खुलवाए जाएँ। उनके साथ में जहाँ केम रोड व्यापार संघ के अध्यक्ष प्रेम खंडेलवाल मौजूद थे, वहीं उपाध्यक्ष श्याम भी वहाँ पर मौजूद थे। इन दोनों से ही हमने बातचीत की और जानने की कोशिश की केम रोड व्यापार संघ ने आज के मुद्दों को लेकर के कलेक्टर से बात की। व्यापार एसोसिएशन की तरफ से जिला कलेक्टर मोदी को केम रोड व अन्य बाजार खुलवाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें ये निवेदन किया गया है कि आज केम रोड पर लगभग 2000 दुकानें हैं, जिसके अंदर भी लगभग 1,00,000 व्यक्तियों की रोजी रोटी का सवाल है, जबकि व्यापारी आर्थिक दृष्टि से गिरता जा रहा है, मरता जा रहा है, क्योंकि पानी के बिल भी बढ़ने पड़ते हैं, बिजली के बिल भी बढ़ने पड़ते हैं, दुकान का किराया भी बढ़ना पड़ता है, वह अन्य खर्चा भी को भी भुगतना पड़ता है। इतने टाइम के लॉकडाउन होने के बावजूद व्यापारी अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल नहीं पा रहा है और इसके अलावा भी कर्फ्यू के इलाके के अंदर बैंकों का भी कार्यक्रम बंद हो रखा है। तो हमने जिला कलेक्टर मोदी से निवेदन किया है कि आप अति शीघ्र इस कर्फ्यू को हटाया जाए और व्यापारिक क्षेत्र को खोला जाए, ताकि इनको आर्थिक दृष्टि से राहत मिले। और वैसे कोविड के अंदर केम रोड व्यापार एसोसिएशन ने सदैव प्रशासनिक अधिकारियों का सदैव साथ दिया है, साथ देते रहेंगे, और बाज़ार खुलने के बावजूद भी हम इस बात से आश्वासित करवाते हैं कि जो भी इनके कोविड के प्रावधान हैं, मास्क लगाना, सैनिटाइज करना, वो हम उसके लिए प्रतिबंध है और अपने ग्राहकों का विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। और आज भाई जिला कलेक्टर मोदी ने हमें यह आश्वासन भी दिया है कि अति शीघ्र सभी बाज़ारों को खुला दिया जाएगा, ये हमें आश्वासन दिया। हमने व्यापार एसोसिएशन के तत्वावधान और केएम रोड व्यापार एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में हम आज जिला कलेक्टर साहब से मिले। जिला कलेक्टर साहब से हम इस बाबत मिले कि बीकानेर शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है, कर्फ्यू सिर्फ जो मेन मार्केट है उसको प्रभावित ज़्यादा कर रहा है, क्योंकि मेन बाज़ार बंद होने के कारण आम दुकानदार दुकानों में जो काम करते हैं, लेबर, वो बहुत ही आर्थिक रूप से जो है वो परेशान हो रहे हैं। दुकानों का खर्चा वैसे ही चल रहा है, उसमें कोई राहत और सपोर्ट करने की बात भी करते हैं, लेकिन साथ में जो है प्रशासन को, सरकार को ये भी ध्यान देना चाहिए कि व्यापारी यदि बिल्कुल ही कमज़ोर हो जाएगा तो कैसे अपना पेट पालेगा, कैसे अपने यहाँ लेबर है उसका पेट चलाएगा। बहुत बड़ा आर्थिक संकट में जो है व्यापारी फंसते जा रहा है, उसका खर्च कंटिन्यू वैसे ही चलता जा रहा है, बिजली का बिल है, लेबर का खर्च है, और उसका नुकसान भी होता है। आज वाले व्यापारिक संस्थान बंद होती है तो उसमें बहुत सी चीज़ें डैमेज भी होती है, वो नुकसान जो है काउंट नहीं होता, वो नुकसान भी व्यापारी को उठाना पड़ता है। इसलिए हम इस बाबत कलेक्टर साहब से मिले। कलेक्टर साहब ने कहा कि हमें बहुत जल्दी ही, हमारी बात पर जो है उन्होंने गौर करते हुए कहा, बहुत जल्दी मार्केट खोलने के लिए प्रयासरत रहेंगे,